बड़ी खबर मिशन 2024 के लिए जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों की घोषणा की गई। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरुण सिंह बने राष्ट्रीय महामंत्री, रमन सिंह बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से जेपी नड्डा की टीम में उत्तर प्रदेश से कई चेहरे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरुण सिंह बने राष्ट्रीय महामंत्री, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं रमन सिंह बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से मिशन 2024 और इसके अलावा मिशन 80 यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए हर एक कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जिन्हें जगह मिली है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झारखंड, रघुवर दास सौदान सिंह मध्यप्रदेश से, बैजयंत पांडा ओडिशा से, सरोज पांडे जो कि सांसद छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर मिली है, डीके अरोड़ा तेलंगाना से, एम चौबा एओ नागालैंड, अब्दुल्ला कुट्टी केरल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि सांसद है, एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के, लता सिंडी छत्तीसगढ़ से, तारिक मंसूर जो कि विधान परिषद सदस्य है यानी कि एमएलसी उत्तर प्रदेश से, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें, अरुण सिंह सांसद उत्तर प्रदेश से इन्हें जगह मिली है, कैलाश विजयवर्गीय मध्यप्रदेश से, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली से, तरुण चुग पंजाब, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, सुनील बंसल राजस्थान, संजय बंदी तेलंगाना, राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय महामंत्री की, बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय सह संगठन शिवप्रकाश लखनऊ से, और निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी निशांत। 24 2000 लोकसभा का चुनाव और दूसरी ओर मिशन 80 और जो ये टीम और नाम सामने आए, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो क्या दिखता है, क्या लगता है ये फोकस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पर? देखिए, टीम नड्डा में उन चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है जो पुराने हैं, विश्वसनीय हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जाए। 2014 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसके अलावा राधा मोहन अग्रवाल की बात की जाए तो वो गोरखपुर की उस सीट से चुनाव लड़ते थे जहां से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक हैं। तो ऐसे में ये दोनों बड़े नाम हैं और दोनों को पार्टी संगठन में बड़ा मौका दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं राधा मोहन अग्रवाल को सीधे तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरा भी नजर आ रहा है। बात की जाए तारिक मंसूर की, जो कि एमएलसी हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजेश अग्रवाल जो पहले भी कोषाध्यक्ष थे उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है और सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल को बनाया गया है। निशांत, जाहिर तौर पर हालांकि कुछ चेहरे ऐसे जो कि कहा जाए कि उन्हें दोबारा मौका मिला है और देखा जाए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक साधने की पूरी कोशिश है उत्तर प्रदेश में, और चाहे वो मुस्लिम चेहरा हो या फिर एक महिला का चेहरा हो या फिर जातिगत आधार को देखते हुए भी, क्या ये कहा जा सकता है कि परफेक्ट टीम बनाने में केंद्रीय नेतृत्व कामयाब? देखिए, बिल्कुल ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड भी कहा जा सकता है। जिन राष्ट्रीय महामंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी रही उनको एक बार फिर मौका दिया गया है, जिसमें अरुण सिंह की बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और दुष्यंत कुमार गौतम, ये पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। इस बार संजय बंदी और राधा मोहन अग्रवाल की एंट्री हुई है। संजय बंदी जहां तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। जिस तरीके से तेलंगाना में बीजेपी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, गिरफ्तारी दी, कहीं ना कहीं पार्टी ने संजय बंदी को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए उपाध्यक्ष में, तो तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिसमें से कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह,
वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए, रघुवर दास की बात की जाए, तो ये चेहरे अपने आप में दिखलाते हैं कि उपाध्यक्ष में भी बहुत ही सोच समझकर मौका दिया है। हालांकि ये सभी पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं। विजयंत पांडा उड़ीसा से आते हैं और एक समय बीजेपी के बड़े नेताओं में थे, अब फिलहाल बीजेपी के बड़े नेताओं में है, दिल्ली के प्रभारी है, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बात की जाए इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव की, तो उत्तर प्रदेश में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे हरीश द्विवेदी जो बस्ती सांसद हुआ करते थे राष्ट्रीय सचिव थे, इस बार उनको मौका नहीं दिया गया। विनोद सोनकर कोसाम्बी सांसद राष्ट्रीय सचिव थे, वो इस बार नहीं है टीम में। हो सकता है कि संगठन इनका इस्तेमाल कहीं और करे, लेकिन अभी फिलहाल जो टीम है काफी बदली हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र सिंह नागर जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जाहिर तौर पर हालांकि ये लिस्ट बहुत कुछ कहती है, यानी कि कहा जाए कि एक पन दो काज ये टीम नहीं बनी। और विधानसभा चुनाव जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, यानी कि अभी से आश्वस्त जेपी नड्डा एंड टीम कि अब तो काम करना है और इसीलिए सभी को जगह दी गई है, चाहे चेहरे हो, नाम हो, जातिगत आधार हो। और जाहिर तौर पर जो ध्रुवीकरण की बात होती है, तमाम जो अगर देखा जाए सब कुछ व्यवस्थित निशान, देखिए बिल्कुल व्यवस्थित नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि किस महासचिव को और किस उपाध्यक्ष को किस प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन होता है, क्योंकि अमूमन राष्ट्रीय महासचिव ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी होते हैं, तो इस बार किसको मौका मिलता है। अगर पिछली टीम की बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह थे, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और अभी राधा मोहन सिंह का जो है वो नाम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बदले जाएंगे ये तय है, और चुनाव प्रभारी किसको बनाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि गौतम इस टीम में है राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है दुष्यंत गौतम उत्तराखंड को लेकर कंटिन्यू करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह। अविनाश निशांत अविनाश हमारे साथ है, लखनऊ से जुड़े हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की ये टीम है, जेपी नड्डा इन टीम की बात करें, कई नाम हालांकि कटे, कई नाम डटे, कई नए नाम, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, जिस तरीके से देखा जाए तारिक मंसूर जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, उन्हें जगह दी गई है, और इसके अलावा रेखा वर्मा जो कि पहले ही मौजूद थी, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अलावा अरुण सिंह की बात की जा रही है, राधा मोहन अग्रवाल, और सबसे खास नाम जिस तरीके से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, और ये कहा जा रहा है कि अब जो एक लिस्ट आई है इनमें से किसी को जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मिल सकती है, तो ऐसे में क्या कुछ कहा जाए, एक कदम, दो कदम या दस कदम आगे बीजेपी? देखिए राहुल, बीजेपी की जो नई राष्ट्रीय टीम घोषित की गई है, ये बहुत सोच समझकर और एक खास रणनीति के तहत, आपने गौर किया होगा कि जो नई टीम है इसमें तमाम राज्यों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको जगह दी गई है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो देखिए यूपी में चूंकि हालांकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहा है। तो वैसे में जो नाम है राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं, इसमें आपने अगर गौर किया तो इसमें रेखा वर्मा, चूंकि ये पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी, उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चूंकि इनके नाम को लेकर बहुत पहले से ही चर्चा थी कि बीजेपी में एक बहुत महत्वपूर्ण इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि इससे पहले चूंकि देखा जाए तो इनको राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, हालांकि पिछले कई साल। अविनाश हमारे साथ राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबसे पहले न्यूज स्ट्रीट की तरफ से बधाई और एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या कुछ प्रक्रिया जी? जी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है जी, उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जी। और एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस निर्देश पर मैं खरा उतरूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। आपकी क्षमता तो विधानसभा चुनाव से पहले भी देखी गई, आपको जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उससे भी बढ़कर आपने निभाया, और किस तरीके से जीत दिलाई विधानसभा चुनाव में, कई नेताओं को आपने पार्टी ज्वाइन कराई, एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और लगातार आप काम भी कर रहे हैं।
और आपका चेहरा हालांकि हर कोई हर किसी की आंखों में, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन एक सवाल यह है कि किस तरीके से यूपी की 80 सीटों पर यानी कि मिशन 80 को लेकर रणनीति काम होने वाला है। मेरी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जी 80 से 80 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। जी मैं जब अध्यक्ष था तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीटें हम जीते थे। जी मुझको पार्टी का आदेश जैसा होगा मैं पालन करूंगा। मैं पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा लिए गए उस निर्णय कि 80 में से 80 सीटें भाजपा को जीतनी है, मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगा और 80 सीटें भाजपा जीत के जाकर एक बार पुनः अपने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाए। इसमें जो मुझे पार्टी की आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूंगा। और ये भी कहा जाए कि कुछ नेताओं को आप लाएंगे बीजेपी में। मैंने कहा ना पार्टी का जो निर्देश होगा दरी बिछाने से लेकर जहां तक है वो काम करने वाला कार्यकर्ता हूं मैं काम करूंगा। आप अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता ही मानते रहे हैं और इसी वजह से लगातार काम आप करते रहे। अगर मेरा एक वाक्य आप एक वाक्य आप तो कार्यकर्ता ही एक ऐसा जो कभी सब पद होते हैं जैसे पूर्व होना सच है। इसलिए कार्यकर्ता बने रहो और भविष्य वर्तमान से प्रेम मत करो, भविष्य की तरफ प्रयास करो। यही एक कार्यकर्ता के नाते मेरा तरीका है काम करने। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि 80 वाला सपना पूरा नहीं होने वाला। तो नहीं जानता समाजवादी पार्टी से अपना कुनबा नहीं संभला, समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं संभले, तो समाजवादी पार्टी बौखलाए व हताश निराश विपक्ष कुछ हमारा नुकसान कर पाएगा भारत माता के लाडलों का जी मुझे लगता नहीं है। लेकिन मजबूत प्रतिद्वंदी हो तभी तो लड़ाई में मजा आता है। ये बात ठीक मैं एग्री करता हूँ। विपक्ष मजबूत चाहिए तभी सरकार चलाने का मजा, सत्ता का काम करने का मजा है। हमारा दुर्भाग्य है ये कि बहुत लंबे समय से लगभग 10-15 साल से विपक्ष मजबूत नहीं हो रहा। चुनाव के समय होता है मतदान बटा हुआ होता है और अंतर्गुप्ता फिर बिखर जाता है। इंडिया वर्सेस एनडीए वो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, आप कह रहे हैं एनडीए जीतेगा। भारत जीतेगा, भारत माता जीतेगी और भारत माता को मानने की ताकत जीतेगी जो इनके साथ है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सहयोगी। अविनाश आपने भी सुना होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, बेहद सरल बहुत सौम्य ये हर कोई जानता है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2014 का चुनाव और जिस तरीके से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त मिली थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये करके भी दिखाया और एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। उनका बार बार यही कहना है कि कार्यकर्ता की तरह चाहे दरी बिछाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व कहेगा या कोई काम कहेगा वो तनमन से करेंगे। यही एक खूबी बीजेपी को जीत से नहीं रोकती और ये बात हर एक पार्टी को समझना चाहिए जो लगातार हमला कर रहे हैं बीजेपी पर। बिल्कुल राहुल, देखिए बीजेपी की यही एक खासियत है कि बीजेपी सरकार में भले ही दूसरे दलों को नेताओं को प्रमुख जगह देते लेकिन जब संगठन की बात आती है तो बीजेपी अपने काडर के जो पुराने भरोसेमंद नेता होते हैं उन्हीं को वहां पर बिठाती है या जगह देती है। हालांकि हाँ तमाम ऐसे उदाहरण है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को संगठन में जगह दी जाती है। लेकिन देखिए जहां तक सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है राहुल, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को संघर्षों का नेता कहा जाता है और आपको याद होगा कि जब यूपी में बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सड़क से लेकर सदन तक यहां पर काफी विपक्ष के खिलाफ आवाज भी उठाई। हालांकि वो काफी समय तक उत्तर प्रदेश की सियासत से लगभग गायब से रहे चूंकि उनको एक तरीके से बीजेपी के अंदर खाने में जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसकी वजह से उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रमुख जिम्मेदारी गई, जो बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी जो बनाई गई उसके मुखिया थे और उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराया, बाद में उनको राज्यसभा भी बीजेपी ने भेजा। लेकिन अब उनको बीजेपी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने दी है। देखिए उत्तर प्रदेश के नेताओं को इस बार राष्ट्रीय टीम में प्रमुख जगह मिलना पहले से ही तय माना जा रहा था क्योंकि यूपी को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही चूंकि जो मिशन अस्सी का लक्ष्य और इसी बात का जिक्र किया लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कि 70 से ज्यादा सीट
दिलवाने में वो उस वक्त 2014 में कामयाब रहे। हालांकि जिस तरीके से ये नई टीम, और देखना होगा कि किस तरह से आगे काम और बढ़ता है, किन किन को जिम्मेदारी किस राज्यों की मिलती है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।